प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए झारखंड पूरी तरह से तैयार है। अपने दो दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम के करीब 6 बजे रांची एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से लेकर बिरसा चौक तक करीब 10 मिनट तक वो रोड शो करेंगे। ये देखिए, ये एयरपोर्ट की तरफ से आने वाली सड़क है, इधर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप पर यहाँ तक पहुँचेंगे। और ये जहाँ से मैं इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये रांची का बिरसा चौक है और बिरसा चौक के चारों तरफ का आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बिरसा चौक पहुँचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की इस प्रतिमा पर आकर माल्यार्पण करेंगे और उसकी तैयारी अब अंतिम चरण पर है। ये नीचे रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ ये लकड़ी के छोटी सीढ़ियां बनाई जा रही है ताकि आसानी से प्रधानमंत्री यहां तक पहुंच सके और उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सके। ये अंतिम चरण में ये तैयारियां चल रही है और यहां पर बाकायदा आप देखिए कि लाइटिंग की गई है ताकि प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचे तो ये भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा भव्य दिखे। इसके अलावे जो सड़क है रांची एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक जो सड़क पहुंचती है उसके दोनों तरफ बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है ताकि कहीं से भी सुरक्षा में कोई चूक ना हो। करीब 1500 अतिरिक्त जवानों की यहां पर तैनाती की गई है और इसके अलावे जो आईपीएस अधिकारी हैं उनकी भी यहां पर प्रतिनियुक्ति की गई है। और इस सड़क को, जिस सड़क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा काफिला आएगा, उसे वन वे कर दिया गया है, खास करके रांची एयरपोर्ट से लेकर हिनू चौक तक। उसके बाद ये रास्ता अभी खुला है लेकिन थोड़ी देर बाद इस रास्ते को भी बंद कर दिया जाएगा। तो ये भव्य तैयारी और सुरक्षा में कहीं से कोई चूक ना हो, परिंदा भी पर न मार सके, इसकी बाकायदा तैयारी यहाँ पर की गई है प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के द्वारा। कुल 9 जोन में रांची एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक को बांटा गया है क्योंकि यहाँ पर माल्यार्पण करने के बाद भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे और यहाँ एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक जितने चौक चौराहे हैं सब पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो कहा जा सकता है कि राजधानी रांची नहीं बल्कि पूरा झारखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए तैयार है क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची की या फिर झारखंड की धरती पर रोड शो करेंगे और तमाम जितने भी लोग हैं, उनके प्रशंसक हैं, खास करके बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका जो स्वागत करेंगे, वो इस्तकबाल करेंगे, तो वो अभिवादन भी स्वीकार करेंगे। और यही वजह है कि रांची एयरपोर्ट से लेकर बिरसा चौक तक और बिरसा चौक से लेकर राजभवन तक सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो लगे हुए होर्डिंग लगाए गए हैं और उसमें जोहार लिखा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत झारखंड की धरती पर किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोड शो करने के बाद कल यानी कि 24 अप्रैल को लोहरदगा में वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद रांची पहुंचेंगे और रांची से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अपने सहयोगी शशि प्रताप के साथ सनी सारथ, ABC News रांची।